हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे बेस्ट वीडियो एडिटर का रिव्यू करने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी टिकटॉक वीडियो है और उस पर वहां पर यूज़र नेम शो हो रहा है तो उसको आप बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, होता यह है कि आपने टिकटॉक अकाउंट पर कोई भी एक वीडियो देखी और आपको वो वीडियो पसंद आ गई और आपने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया और आप उसको जो है अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर होता यह है कि वहां पर उस बंदे का यूज़र नेम शो होता है, आप उसको वहां पर जो है अपलोड नहीं कर सकते और आप उसको जो है एडिट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मैं जो है उसका जो यूज़र नेम वहां से रिमूव कर दूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर जो है एक वीडियो डाउनलोड कर लिया। उसको वीडियो को डाउनलोड करने के बाद जैसे मैं जाता हूं अपने एमएक्स प्लेयर में, यहां पर अगर मैं उस वीडियो को प्ले करता हूं तो आपको यहां पर जो है उसका यूजर नेम शो होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो उसका ऊपर जो यूजर नेम शो हो रहा है और नीचे ऊपर दोनों तरफा जो है उसका यूजर नेम यहां पर शो होता है। तो अब आपको यहां पर करना क्या होता है, आपको उसको यहां से इस वीडियो को जो है एडिट करना होता है। तो वीडियो को एडिट करने के लिए यहां पर ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन नाम है इनशॉट एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है। जब आप इसको यहां से फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस कुछ तरह आपको यहां पर शो होता है। तो आपको सिंपली यहां पर वीडियो पर क्लिक करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर उस वीडियो को इनपुट कर लेना होता है जो वीडियो आपने वहाँ से डाउनलोड की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने वीडियो डाउनलोड की थी वो वीडियो यहाँ पर हमारी इनपुट हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पर इस वीडियो को स्ट्रीम करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसका कुछ भी पार्ट यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से जो है इसका पार्ट भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है इसको थोड़ा बहुत कट करना है पार्ट को, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आपको उसका पार्ट को निकालना है, आप उतनी हिस्से से यहाँ से इसका पार्ट भी निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से इसको कट कर दें, कट करने के बाद आप इसमें फिल्टर भी डाल सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको काफी सारे फिल्टर मिल जाएंगे, यहां पर आपको एक से एक फिल्टर मिल जाएगा। आप इस वीडियो के अंदर एक से एक फिल्टर भी डाल सकते हैं। जब आप यहां पर फिल्टर वगैरह सब डाल देंगे तो आपको यहां पर स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टिकर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखवा रहा स्टिकर, आपको यहां पर काफी सारे स्टिकर मिल जाएंगे। आप यहां पर जो भी स्टिकर लगाना चाहते हैं आप यहां से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है तो आप यहाँ पर अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं और उसमें आप जो यहाँ पर कलर भी भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख देंगे तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आप इसकी स्पीड को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और आप इसको यहाँ से फास्ट मोड पर रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से फास्ट मोड पर रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्लो मोशन करनी है तो आप यहाँ से इसको स्लो मोशन भी कर सकते हैं। आप जितना चाहे इस वीडियो को स्लो मोशन में ला सकते हैं, जितना चाहे आप इस वीडियो को फास्ट मोशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.0 मैंने इसको कर दिया और कितनी फास्ट भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है इसकी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आप इस यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो यूज़र नेम को हटाना है, यूज़र नेम को हटाने का यहाँ पर दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पर क्रॉप करके यूज़र नेम को हटाएंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको सिंपली करना क्या होता है, क्रॉप पर क्लिक करना होता है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के हिस्से को यहाँ से इतना हटा दिए। उसके बाद आपके नीचे से यहाँ से करना क्या होता है, नीचे वाले हिस्सों को भी इतना आपको यहाँ पर कट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने दोनों कट कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ से अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइड से वो यूज़र नेम ढक जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ऊपर करना होता है। ऊपर करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर से भी और नीचे से भी यूज़र नेम हट चुका है पूरी तरीके से। अगर आपको दूसरा तरीका आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, अगर आपको जो है वीडियो को वहाँ पर जो क्रॉप नहीं करना, अगर आपको सिंपली ऐसे ही ढकना है तो आपको करना ये क्या होता है, आपको स्टिकर पर क्लिक करना हो। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी एक स्टिकर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है उसका यूज़र नेम ढकना है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है शेयर बटन लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको शेयर बटन को रख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर शेयर बटन भी फिट कर सकते हैं। तो शेयर बटन को फिट करने के बाद आपकी जो यूज़र नेम वो यहाँ पर बिल्कुल हाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप दो तरीके से अपने यूज़र नेम को हाइड कर सकते हैं, उसका बड़ी आसानी के साथ उस टिकटॉक अकाउंट का आप यूज़र नेम यहाँ पर यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होता है, जब आप अपनी वीडियो को यहाँ से पूरी तरह से एडिट कर देते हो तो आपको यहाँ पर सेव ऊपर जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सेव लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस वीडियो को यहाँ से सेव कर देना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर आपसे क्वालिटी मांग रहा है, आप इस वीडियो किस क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर 720, 180p, 640 आप यहाँ पर 3-4 क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब यहाँ पर सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है।
और लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर हमारी वीडियो सेव हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जब हमारी यहाँ से वीडियो सेव हो चुकी है, अब आप इसको यहाँ से जो है टिकटॉक पर बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब आपको कोई भी खतरा नहीं होगा, ना ही उसका बंदे का यूजर नेम शो हो रहा होगा, ना ही कुछ हो रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक अलग से फोल्डर बन चुका है और यहाँ पर हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। उसका यूजर नेम तो वहाँ से हट चुका है पूरी तरीके से, ना ही उसका यूजर नेम ऊपर शो हो रहा है, ना ही नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है टिकटॉक अकाउंट के लिए बड़ी आसानी के साथ बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हो और उसको आप जो अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।